कोरोना में मृत सफाई कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफाई मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ सीएम निवास का घेराव करने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जयसिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका नगर निगम में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। वहीं अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे, जिसमें कोरोना में मृत कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। वहाँ लगातार देखने में आ रहा है भाजपा की सरकार में अनुसूचित जाति दलित खासतौर पर सफाई कामगार वर्ग के साथ काफी अत्याचार बढ़े हुए और जिससे मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण भाजपा सरकार का बदस्तूर सभी नगरीय निकाय नगर पालिकाओं में जारी है। कल 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय नगर पालिका जिला तहसील में कार्यरत सफाई कामगार वर्ग जो विगत काफी दिनों से त्रस्त है उनके प्रमुख बिंदुओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनके निवास पर जाकर टाइम दिया जाएगा।